हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंह। सो आज है फैशन फ्राइडे। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉल लेकर आई हूँ। सो मैंने कुछ टाइम अभी सेल आई थी तो कुछ प्रोडक्ट परचेज किए हैं। इंडिया में तो अभी काफ़ी सेल चल रही है, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पे, मिंत्रा पे, हर ऐप पे एक्चुअली डिस्काउंट चल रहा है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी जो मैंने डिस्काउंट में परचेज किया है वो शेयर करूँ। सो आज बेसिकली आपने टाइटल में देख लिया होगा कि मैं ज्योति पर्किन करके जो ब्रांड होता है उसके प्रोडक्ट आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगी और लाइक बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैंने ये सब सेल में लिया है, ज्योति पर्किन्स आई थिंक मिंत्रा पे और जबोंग पे, दोनों पे अवेलेबल है। बाकी और किसी वेबसाइट पे मुझे नहीं पता, बट मिंत्रा पे और जबोंग पे डेफिनेटली अवेलेबल है। और कुछ ड्रेसेस मैंने जो बाय किए हैं वो वहाँ उस पर भी अवेलेबल हैं। सो उनकी लिंक या फिर उनका नेम और प्राइस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो हम अपना हॉल स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इस ब्यूटिफुल मस्टर्ड ड्रेस की। ये कुछ बॉडीकॉन ड्रेस है, उसके लास्ट में ऐसा स्लेट है लाइक दिस, इस तरीके का स्लेट है और ये नीज के काफ़ी नीचे तक आती है। मैं अभी आपको ये वेयर करके भी दिखाऊंगी। इसका जो मटेरियल है वो आई एम नॉट श्योर, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ मटेरियल्स के मामले में, बट इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है। स्ट्रेची नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेची टाइप का नहीं, एकदम बॉडीकॉन आता है, प्रॉपर परफेक्ट आता है, बहुत सुंदर लगता है पहनने पर। और इसकी पिक मैंने एक इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई थी। मुझे बहुत पसंद आई थी ये ड्रेस और गेस व्हाट, मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट पे मिली थी, ऑलमोस्ट 60-70% डिस्काउंट पे मिली थी। सो मैंने इसको बाय कर लिया, बहुत अच्छी। और इसमें पीछे बैक में जिप भी है, काफ़ी लॉन्ग जिप है यहाँ तक। कुछ इस तरीके से इसमें मेरा जो साइज़ है वो है UK 8। अब हम देख लेते हैं कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। सेकेंड ड्रेस ली है वो ये ब्लैक कलर की ड्रेस है। जो ये इसमें वी गला है, इसका तो अभी तक मैंने टैग नहीं निकाला क्योंकि ये अभी तक मैंने वेयर नहीं करी है, ये मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ली है तो अभी मैंने इसको वेयर नहीं किया। इसमें ये वी नेक है, थोड़ा सा डीप है पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें इस तरीके से पूरे में बटन लगे हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 3/4 स्लीव्स हैं इसकी। और क्या बोलते हैं, इसका जो मटेरियल है वो एक्चुअली रिब्ड मटेरियल है। लेट मी शो यू। सो ये रिप्ड मटेरियल, इसमें मेरा साइज जो है वो भी 8 ही है, या इसमें भी मेरा 8 साइज है। ये कुछ इस तरीके से, इसकी लेंथ भी नीज के नीचे तक है। ये बहुत अच्छे से जाती है मेरे पर, बहुत अच्छी लगी हुई थी मुझे। मैं दिखाती हूँ कि ये मुझ पर कैसी लग रही है। किया है ये टॉप जो मैंने अभी वेयर किया है। इसकी इस तरीके की स्लीव्स हैं, थोड़ा सा यहाँ से ढीली है और फिर ये कुछ इलास्टिक टाइप में लगा हुआ है, टाइट नहीं है बहुत ज्यादा बट बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा शेप आता है इसका। ये जो नेक है वो स्वीट हार्ट नेक है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसकी फिनिश बहुत अच्छी आती है, यहाँ से कुछ इलास्टिक टाइप्स में, यहाँ भी इलास्टिक लगी हुई है। ये बिल्कुल परफेक्ट, इसमें मेरा साइज 8 ही है और इसका प्रिंट बहुत अच्छा है। इसका जो मटेरियल है वो मुझे फील होता है कि प्योर जॉर्जेट टाइप मटेरियल है, या मुझे फील होता है कि ये जॉर्जेट मटेरियल है। बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली मतलब कंफर्ट के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट पीस है। नेक्स्ट मैंने यही बाय किया था। अब मैं आपको इसका फुल व्यू देती हूँ कि कैसा लगता है मुझ पर। शॉर्ट्स है, ये एक्चुअली बिल्कुल प्रॉपर शॉर्ट्स नहीं है। इसकी जो लेंथ है वो नीज के थोड़े से ऊपर आती है पर ये बहुत अच्छा लगता है। इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, इस तरीके का कलर मेरे पास था भी नहीं, दैट्स व्हाई मैंने इसको पिक किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसको वेयर भी किया था जब मैं बेलफास्ट गई थी, मैं इसको एक्चुअली वेयर कर चुकी हूँ। इसका जो कपड़ा है वो बहुत अच्छा स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेची मटेरियल है और बहुत अच्छे से अच्छा लगा। इसमें जो मेरा साइज है वो भी 8 है और ये मुझे परफेक्ट आता है। और जहाँ तक बात है इसकी वेस्ट की, तो ये हाई वेस्टेड नहीं है, ये मिड वेस्ट डेनिम है।
सो परफेक्ट आया था मुझे तो, अब देख लेते हैं मुझ पे कैसा लग रहा है। इसके बाद जो मैंने परचेज किया था वो है ये एक श्रग, और इसकी कुछ इस तरीके की स्लीव्स हैं, बेल स्लीव्स बोलते हैं जिसको, बेल स्लीव्स, और ये पूरा फुल लेंथ में आता है, मतलब फुल लेंथ तो नहीं आएगा, जो लॉन्ग स्ट्रेट कुर्तीज होती हैं जो एंकल्स के थोड़े से ऊपर होती है उस तरीके की इसकी लेंथ है, अभी आपको शो करूंगी। और ये जो क्रोशिया टाइप का वर्क होता है ना उस तरीके का है ये, आप देखिए सी, तो इसी तरीके का इसमें ओवरऑल पूरी डिजाइन बनी हुई है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये मुझे। आई डोंट नो लाइट की क्यों प्रॉब्लम, जैसे मैं इसको करती हूँ तो सारा ब्लैक हो जाता है, आई डोंट नो व्हाई। सो ये मैंने परचेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको अब वेयर करके बताऊंगी। क्लोथिंग मटेरियल में जो लास्ट पीस मैंने परचेज किया था वो ये टॉप है, ये एक्चुअली मैंने ऐसे ही घर में पहनने के लिए लिया हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था। सो इसका जो मटेरियल है वो कॉटन हॉजरी मटेरियल होता है वो है, इसमें भी मेरा साइज 8 है और इसका गला थोड़ा सा डीप है, बट मुझे डीप गले पहनना अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई मुझे इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था, कलर और प्रिंट, सो ये मैंने लिया था। और ये मैंने आई थिंक 4 pounds में लिया था, या इसको मैंने 4 pounds में लिया था। सो ये मेरा लास्ट परचेज था, अब मैं इसको देख लेती हूँ कि मेरे ऊपर कैसा लग रहा है ये। इसके बाद मैंने बाय करी है ये सैंडल्स, न्यूट कलर में है ये, बहुत प्यारा कलर लग रहा था एक्चुअली मेरे पास, कुछ इस तरीके की सैंडल मेरे पास अभी थी नहीं, स्पेशली न्यूट कलर में थी नहीं, सो ये भी मैंने वहीं से ली थी। बेसिकली 18 pounds की है क्योंकि इसमें पीछे अभी भी टैग लगा हुआ है, और ये मुझे आई थिंक 10 pounds में मिल गई थी। तो इसका मटेरियल इस बहुत ये सॉफ्ट है, यहाँ पे जो इधर है ये बहुत काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल थी, दैट्स वाई मैंने इनको पिक किया था और मुझे बहुत अच्छी लगी। और इस हॉल का सबसे लास्ट प्रोडक्ट तो मेरा सबसे फेवरेट है, जो कि एक्चुअली मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया, मतलब मैंने अभी सेल में परचेज किया था इसको, इस ईयर सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में थे बूट्स बैग। अगर आप जानना चाहते हो कि इस साल ट्रेंडिंग में क्या था और क्या रहने वाला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली इस पर नेक्स्ट फ्राइडे को वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो ये मैंने एक्चुअली इस ईयर बहुत ज़्यादा जूट बैग ट्रेंड में थे, सो मैंने ये एक जूट बैग यहीं से परचेज किया था। सो एक्चुअली मुझे इसमें चाहिए था वो जो ब्राउनिश कलर आता है ना वो वाला कलर, बट मुझे मिला नहीं, सो मैंने ये वाला पिक कर लिया। ये ब्लैक कलर का है, इसमें फुल स्ट्राइप्स हैं, और ये कुछ इधर से ये बक्कल है इसमें, इसको ओपन करने पर ये कुछ इस तरीके से खुलता, काफ़ी बड़ी साइज़ है, इसमें काफ़ी सारा आपका सामान आ जाएगा। एक्चुअली इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी थी और ये मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था, और एक्चुअली मैंने इसका प्राइस इंडिया में देखा था, इंडिया में इसका प्राइस आई थिंक 1700 रुपीज़ है और यहाँ मुझे 8 या 9 pounds में मिल गया था। सो बस मैंने इसको पिक कर लिया, ये बहुत अच्छा लग रहा था एक्चुअली मैं, इसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टडी है और मटेरियल भी काफ़ी अच्छा लगा था ये, और ये बहुत सारे शेप में अवेलेबल थे, बट इस वाले ब्रांड में आई थिंक सिर्फ इसी शेप में अवेलेबल थे और किसी शेप में नहीं। सो इस साल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी रहे हैं, इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी बाय करूँ। सो ये मेरा लास्ट परचेज थी। सो गाइस ये मेरा छोटा सा हॉल था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि अभी सेल टाइम है, तो आप लोगों के लिए कुछ सजेशंस भी हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को ये हॉल वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर देना, अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस टाइप का हॉल वीडियो देखना चाहते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।